हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आप लोग करते हैं कमेंट्स करके कि हमें फ्रॉक सिलाई करना सिखा दे। आई मैं फ्रॉक लेके आ गई। और सबसे पहले तो करना है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना, ठीक है? और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगती हैं, और आप लोग कमेंट्स में बता दें कि बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रॉक सिलाई करना, जो कि मैंने कटिंग कर ली थी। इसकी कटिंग आप लोगों ने अगर नहीं वो वाली वीडियो देखी तो आप लोग जाके इसकी कटिंग वाली वीडियो देख लें, ठीक है ना? लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो भी है, आप सर्च करके मेरा चैनल उसमें जाके देख लें, ठीक है ना? सामने नजर आ जाएगी। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये जो बाजू मैंने उस दिन आपको कटिंग में दिखाया था कि ये इसके दो पीसेस में जोड़ आएगा, तो इसको पहले मैं सबसे पहले सिलाई कर लूँगी, ठीक है? क्योंकि मैंने इसकी ये पेटी जब जोड़नी तो इसके साथ मुझे बाजू पहले लगाने पड़ने हैं, उसके बाद बाकी काम करूंगी। ये जोड़ सिर्फ उनके पास आएगा जिनके पास कपड़ा, हाँ, जिनके पास कपड़ा पूरा होगा ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो सारा पिछली वीडियो में जाकर देख ले कितना कपड़ा लेना, कैसे सारा कुछ करना है, वो आप लोगों को पिछली वीडियो में मिल जाएगा। और अब ये मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने जोड़ का ही बताया कि जोड़ किस लिए आया, तो वो इसलिए अब मैं इसको स्टिच कर लूँ, उसके बाद मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाती हूँ। पहले इस बाजू को मैं जोड़ लूँगी, एक जुड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ जोड़ा है। ये बाजू भी जुड़ गया। अब मैंने इसके ऊपर वाली पेटी जो है उसको स्टिच कर लेना। सबसे पहले तो उसको शोल्डर से स्टिच करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये कपड़ा यहाँ से बढ़ गया था शोल्डर वाली साइड से, यहाँ से मैंने दूसरा शोल्डर जो है छोटा है ना उसके हिसाब से इसकी कटिंग सारी कर लेनी, ठीक है? उसके बराबर ये एक्स्ट्रा कपड़ा उतार देना। क्योंकि अगर ये बढ़ गया कपड़ा तो फिर वो बाजू ऊपर नीचे शोल्डर वाली साइड से हो जाएगा, इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम उतार लेंगे, ठीक है? और आप लोग साथ साथ ही उतार लिया करें ताकि फिर बाद में भूल भी जाते हैं। ये देखिए, ये बाजू जुड़ गए और यहाँ पे मैं पैच वगैरह लगाऊंगी, वो साथ साथ लगाना आप लोगों को बताती हूँ। और अच्छा, इसके पेटी तो मैंने काटी हुई है लेकिन इसका गला मैंने नहीं काटा था उस दिन। अब मैं इसका जो है गला काटना सिखाती हूँ आपको। सबसे पहले इसको रखना है फोल्ड करके, उसके बाद इसको, ये बैक है हमारी, ये वाली ऊपर वाली, इसको हम नीचे रख देंगे। सेम मैंने पहले भी ये कुर्ते कटिंग की थी, उसमें नेक की कटिंग भी मैंने आप लोगों को सिखाई थी, बोट नेक, इसकी भी मैं बोट नेक ही बनाऊंगी। अच्छा, हम सब बहनों को ना बोट नेक बहुत ज़्यादा पसंद है, और आजकल इन भी बहुत ज़्यादा है, कुर्तों में देख लें, फ्रॉक्स में देख लें, ज़्यादा बोट नेक की पहनती हैं लड़कियाँ वगैरह, और बनी भी होती हैं। इसको बराबर करके रखेंगे, ये फ्रंट है इसलिए इसके यहाँ से कटिंग डीप की हुई है, और अब मैं इसके नेक की कटिंग कर लूँगी। जितना आपको नेक चाहिए आप लोगों ने उतनी कटिंग कर लेनी है। अचाली ने मुझे कैंची अभी भी नहीं ठीक करके, अच्छा ये मैंने इसके बोट नेक जो से वो ये देखिए कटिंग कर ली हुई है, और ये दोनों की हो गई है क्योंकि ऊपर नीचे रख के मैंने कटिंग की थी, दोनों की हो गया। अब मैं इसके शोल्डर जो से वो यहाँ से इसको स्टिच कर लूंगी, इन दोनों साइडों से ना ये उल्टा रख के ऐसे ये यहाँ से बराबर करके स्टिच कर लेना है ये ऐसे। सबसे पहले मैं इस शोल्डर को जोड़ूंगी, ये इसको जोड़ लेना एक इंच के फासले पे रख के। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ कि एक इंच बढ़ा के आप लोगों ने कटिंग करनी है, और एक इंच के फासले पे आप लोगों ने सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी जोड़ लूँगी, जिसको बोट नेक बड़ा रखना है वो बड़ा रख सकते हैं, जिसने कम रखना है कम रख सकते हैं। ये दोनों हो गए शोल्डर स्टिच, अब मैंने जोड़ लेने इसके बाजू। अच्छा, बाजू नहीं भी आप लोगों ने जोड़नी, अगर नेक बनाना पहले तो नेक भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले बाजू जोड़ लेती हूँ फिर इस बाद में नेक बना लेती हूँ। जैसे आप लोगों को इजी लगता है आप लोग उस तरह से करें, जैसे मुझे इजी लगता है मैं उस तरह से करती हूँ, और आप लोगों को भी इजी तरीके से ही बताती हूँ कि आप लोग भी ऐसे सिलाई कर लिया करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, ये जो मैंने सेंटर में ये सिलाई आ गई थी, क्योंकि ये दोनों बाजुओं के सेंटर में सिलाई आ गई, अगर ना सिलाई आई होती तो या मैंने वी कट दे देना था, उससे पता चल जाता कि ये सेंटर कौन सा, ठीक है? अब मैंने ये सीधी साइड ले लेनी है इसकी शर्ट, ये ऊपर वाली पेटी की, और ये बाजू की ये उल्टी साइड ऊपर करनी है, और ये सीधी साइड, इन दोनों को ऐसे रख देना मैंने उल्टी साइड ऊपर, ये सेंटर है इसका, यहाँ से हमने सिलाई करना शुरू करना हाफ से।
और हमने एंड तक ले जाना सिलाई करते करते। बाजू में थोड़ा सा बड़ा ही रखती हूँ ताकि वो छोटा रह जाए फिर मसला बन जाता है, अगर बड़ा हो जाए फिर तो कोई मसला नहीं बनता, फिर कटिंग भी हो सकती है उसकी। अब मैं दूसरी साइड से भी ऐसे स्टिच कर लूँगी सेम, यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना ऐसे ही करते हैं। और दूसरा बाजू मैं इसी तरीके से जोड़ लूँगी, अब ये वाला जोड़ के आप लोगों को दिखाती हूँ और दूसरा फिर मैं साथ जोड़ लूँगी। हाँ जी मैं आप दोनों बाजू जोड़ के दिखाती हूँ, बल्कि ये तो जुड़ गया हुआ है, मैं आप लोगों को बता दिखा देती हूँ। अच्छा ये मैंने दोनों बाजू जो से ये जोड़ लिया हुए हैं, ये देखो जरा ये वाला भी और ये वाला भी दोनों जुड़ गए हैं। अब मैं आप लोगों को गला बनाना सिखा देती हूँ, आपको पहले भी एक दो बार सिखाया हुआ है मेरे ख्याल से, दो शॉर्ट का मैंने बनाया सिखा दिया हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और ये वाला भी आप लोगों को साथ साथ बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाया बोट नेक, बहुत इजी तरीके से, मैं तो बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बना लिया करें तो बहुत जल्दी बन जाएगा, क्विक बनेगा और बहुत इजी और बहुत सफाई से बनेगा। अभी मैं ये कपड़ा उतार लूँगी इसके बोट नेक के लिए, थोड़ा तिरछा यहाँ से ले लेना, ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है कपड़ा लेकिन हमने तो ठीक से उतार लेना है, थोड़ा सा ये भी पट्टी उतार लेनी है, ये मैंने उतार ली, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, ये देखे दो दो हिस्से करनी, मैंने मतलब कि तय लगा ली इसके, ठीक है। और मैंने इसके शोल्डर वाले साइड से शुरू करना है इसको, ये यहाँ से एक इंच के फासले पे आप लोगों ने सिलाई रख के लगानी है, बल्कि यहाँ सबसे पहले, हाँ पहले मैंने आपको सिखाया था यहाँ से फोल्ड करना है, ठीक है, ताकि वो नीट लगे, क्योंकि वो कपड़ा ऊपर की तरफ आता है और ये फोल्ड हो जाता है। ए यहाँ पे रखना है आप लोगों ने शोल्डर से थोड़ा सा पीछे जो बैक वाली साइड है, ये रख के आप लोगों ने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहना, साथ साथ इस कपड़े के बराबर रख के ये नेक के और इसको बराबर रखना, ठीक है, और सिलाई लगाते रहना, मतलब कि एक इंच भी नहीं लेना, आधा इंच आप लोगों ने सिलाई रख के लगानी कपड़ा लेके, ठीक है, क्योंकि ये नेक है इसलिए। ये हमने बना दिया सारा इसी तरीके से, हमने सारा कपड़ा लगा लेना है, हाँ गोल। अच्छा ये सारी मैंने पट्टी लगा ली हुई, अब मैंने फोल्ड करके इसको ये उल्टी वाली साइड से फोल्ड करके इस कपड़े को यहाँ से मैंने सिलाई लगाना शुरू करनी है, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना और ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको सिलाई लगाते जाना, ये नीचे वाली साइड से कपड़ा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ उल्टी साइड पर ही आएगा नज़र, और उल्टी साइड पर ही आप लोगों ने इसको सिलाई करते जाना, साथ साथ ये फोल्ड करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ये इस तरीके से। ये जो मैंने पैच के लिए कपड़ा रखा था ये पिंक कलर का, वही मैंने इस नेक पे लगा ली, ये बारीक था और ये वाला मोटा कपड़ा, इसलिए ये बारीक वाला कपड़ा मैंने इससे नेक बना ली है इसकी, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखें कितनी प्यार सी नीट तरीके से बन रहा है नेक, ये देखें बोट नेक बहुत सी। अच्छा हमने अगर करना चाहते हैं ना तो ये पिंक पट्टियों से हम बाहर की तरफ भी ऐसे ही फोल्ड कर सकते थे, मैंने सीधी साइड पे रख के ये कपड़ा लगाया है, तब अगर बाहर निकालनी होती पट्टी तो मैंने इसको उल्टी साइड पे रख के कपड़ा लगाना था और ये पिंक वाली पट्टी जैसे बाहर आ जानी थी, इसी तरीके अगर आप लोगों ने अंदर रखनी अंदर रख लें, बाहर रखनी बाहर रख लें, लगनी ये नीट ही है जिस तरीके से मर्जी अंदर करें बाहर करें अच्छी लगेगी। अब मैं इसी तरीके से सारा नेक बना लूँगी इसका। अच्छा जी मैंने नेक जो से ये बना लिया भाई, ये देखे ज़रा सारा नीट तरीके से बन गया भाई बोट नेक, आप लोग भी इसी तरीके से बना लें। और ये पिंक वाली पट्टी जो से ये पैच भी मैंने लगानी है फ्लावर के साथ मैच करके मैंने लगाया, ठीक है। और अब सबसे पहले मैंने बाजुओं के ऊपर लगाना है पैच, ये आप लोगों को मैंने बताया था पैच लगा लूँगी, ये मैंने काट के रखे हुए पिंक कलर के, ये बढ़ा के मैंने आगे पैच लगाने हैं, ठीक है, ये मैं इस तरीके से लगा लूँगी, यहाँ से शुरू करूँगी और ये मैंने तंग बाजू रखने हैं इसलिए, जिसने खुले रखने हैं खुले रख लें, जिसने तंग रखने हैं तंग, मैंने तंग बाजू रखने हैं और इसलिए पैच आके लगाऊंगी, ये डबल कपड़ा करके लगाऊंगी तो इजी लग जाएगा, ये डबल करना है आप लोगों ने। और ये मेरे ख्याल से पहले भी आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ, आप लोग वीडियो इसलिए देख लें आप लोगों को समझ आ जाएगी साथ साथ ही, ये आप लोगों ने डबल कपड़ा लगा लेना ऐसे ही, ये दोनों बाजू सेम ऐसे लगा लेना, अजय मैंने पैच जो उनसे जोड़ लिए दोनों बाजुओं पे, ये देख लें दोनों से सेम जोड़ लिए मैं, इतने इतनी पट्टियाँ जोड़ ली मैंने। और अब मैंने इसकी फिटिंग करनी है, सबसे पहले फिटिंग कर लूँगी मैं एक इंच के फासले पे रख के,
ये पहले बाजों से स्टार्ट करनी है, ठीक है ना? आप लोगों ने भी बाजों से स्टार्ट करें और बाजों से ही स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रख ली, यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि वो पक्का हो जाए यहाँ पे, ताकि बाजों वाली साइड से जल्दी खुल जाते हैं। ये पक्का हो गया, ये बाद में धागे उतार दूंगी इसके मैं। ये आप लोगों ने सिलाई लगाते हैं ना, एंड तक सिलाई लगा देंगे आप लोगों ने। अच्छा, एक साइड से ये मैंने जोड़ लिया हुआ है, ये देखे जरा सारा फुल एंड तक ना सिलाई लगा लिया मैंने। अब इसी दूसरे बाजू वाली साइड से मैं ऐसे स्टार्ट करके ऐसे सिलाई पूरी फुल को कर लूँगी यहाँ तक एंड तक, ठीक है? अब मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मैंने जो बाजू वाली साइडों से शुरू करके सिलाई, मैंने एंड तक पेटी जोड़ ली हुई है। ये देखिए दोनों इस साइड से भी, इस साइड से सारी जोड़ ली है और इस साइड से भी सारी इसी तरीके से जोड़ ली हुई है, ठीक है? अब मैंने इसको दोबारा से उल्टा करना है और इसके साथ इसे ये गेयर जोन से मैंने कटिंग किया था जिसकी आप लोगों को कटिंग मैंने सिखाई थी। नहीं देखी तो मैं बार बार कह रही हूँ कि पिछली वीडियोज देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी और बताया भी हुआ है, कटिंग सारी सिखाई हुई है मैंने। तो इसको उल्टा करना है, उसके साथ मैंने इसको जोड़ देना है, ठीक है? इसको भी उल्टा करना है और उसको भी उल्टा करना है ये पेटी को, ठीक है? दोनों को उल्टा कर लेना हमने और फिर इसको आप लोगों को जोड़ के दिखाती हूँ किस तरीके से जोड़ना है आप लोगों ने। सबसे पहले तो दोनों चीज़ों को उल्टा कर लेना है, पेटी को भी और उसको भी। अच्छा, तो अब आपने यहाँ से शुरू करना है क्योंकि ये सारा इक्वल है, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, ठीक है? और हमने ये जो पेटी हमने यहाँ से जोड़ी थी, ये वाली साइड यहाँ तक जहाँ फिटिंग लेके गए थे वहाँ से हमने शुरू करना है और एंड तक ले जाना, ठीक है? एंड तक सिलाई करते जाना, साथ रख लो। फ्रॉक की कौन सी साइड लेनी है? नहीं नहीं, फ्रॉक की हमने उल्टी साइड ही लेनी है और ये सीधी साइड अंदर करनी है, दोनों की सीधी साइड अंदर करनी है, ठीक है? ये हमने ले ली यहाँ से, अब हमने सिलाई करते जाना, ठीक है? साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके सिलाई करते जाएंगे। एक इंच के फासले पर रख के सिलाई करते जाना और यहाँ से आप लोगों ने बराबर रखना है इसको। ये थोड़े धागे ज़्यादा निकले मैं इस कपड़े के, क्योंकि इस कपड़े के ज़्यादा धागे निकलते हैं ये, इसलिए आप लोगों को सही ठीक वाजा नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने दोनों पेटी को और घेर को बराबर रख के सिलाई लगाते जाना एक इंच के पास लगे। इसी तरीके सारा जोड़ लेना आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से ही सारा नहीं रख के जोड़ लेना, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ लेना ताकि सिलाई आप लोगों की सीधी लगे, ठीक है? ये देखिए मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ही ले रही हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए जरा मैंने सिलाई कर ली, ये मैंने यहाँ से भी जोड़ लिया हुआ है, ये सारी देखें। और फिटिंग अगर थोड़ी सी आप लोगों को टाइट लग रही हो तो उसका मसला हाँ। ये क्योंकि अक्षा की नहीं, अक्षा की सिस्टर की ये मेरी सिस्टर की, उसकी मुझे भी पूरी आ जाती है लेकिन उसकी है। और ये देखे जरा मैंने सिलाई कर ली है और आप लोगों ने भी बताना है कि कैसे स्टिच हुई है, आप लोग सेम इस तरीके से कर ले और ये लंबी इधर आ जाए, मैं आपको खुद ऑफर कर रहा हूं, बेड के ऊपर आ जाए, इजीली दिखाई जाएगी। हां आ जाए इसके ऊपर, क्या ब्लॉग वाले चैनल पे भी जान के बेड के ऊपर चले। ये देखे जरा, अब इसके नीचे पैच लगेंगे तो ये लंबी हो जाएगी और मेरी जो सिस्टर उसकी हाइट मेरे से थोड़ी सी कम है, इसलिए ये पैच लगेंगे ना, इतना चौड़ा पैच लगना है मेरे ख्याल से, इतना चौड़ा लगेगा इन कलरों के अंदर, ये फ्लावर के साथ जितने भी कलर हैं उनके साथ पैच लगेगा और लंबी हो जाएगी और आप खुद देखें कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, इसके साथ ये दुपट्टा भी मैच हो गया, मैं घूम के दिखा देती हूँ आप लोग, अब खुद ही बताएंगे कितनी प्यारी सिलाई होगी, इतनी कोई ईजी इसकी कटिंग है, इतनी कोई ईजी इसकी स्टिचिंग है। आप लोग मेरी वीडियोस देख लें जाके, पिछली कटिंग वाली भी और ये स्टिचिंग वाली भी देख लें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और वीडियोस अच्छी लगती है तो भी मुझे बताएं। और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को कोई भी और किसी चीज़ की कटिंग की चाहिए होगी तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।